हेलो बच्चा पार्टी, इन प्रीवियस क्लास हमने देखा था एक्सरसाइज नंबर 23 ऑफ चैप्टर नंबर 7 अल्टरनेटिंग करंट, जो काफ़ी छोटी सी और ट्रांसफॉर्मर के बेसिस पे थी। इन दिस क्लास बच्चों हम देखने वाले एक्सरसाइज नंबर 24 जो इफिशियंसी पे डिपेंड करती है, तो अच्छे से ध्यान रखना बच्चों। चलिए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज नंबर 24 को। क्वेश्चन कह रहे हैं बच्चों, एट अ हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट द वाटर प्रेशर हैड इज एट अ हाइट ऑफ 300 मीटर। तो बच्चों मैं यहाँ पे गिवन डेटा लिख रहा हूँ, एच इज इक्वल टू 300 मीटर एंड द वाटर फ्लो अवेलेबल इज 100 m³/s। अब देखिए बच्चों, यहाँ पे वाटर फ्लो है, ठीक है, तो इसे हम जानते हैं वॉल्यूम फ्लक्स के नाम से। या तो आप यहाँ पे ये भी लिख सकते हो कि वॉल्यूम पर यूनिट टाइम, ठीक है, वॉल्यूम फ्लक्स या तो वॉल्यूम पर यूनिट टाइम, जिसको मैं नोट करता हूँ वी डैश। तो वी डैश इज इक्वल टू बच्चों हमें दिया है 100 m³/s। नेक्स्ट, इफ द टर्बाइन जनरेटर इफिशियंसी इज 60%, बच्चों में यहाँ पे इफिशियंसी दी है, इफिशियंसी इज इक्वल टू 60%, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं अप्रोक्स 0.6, क्योंकि परसेंट वो हटाएंगे तो डिवाइड बाय 100, तो 60/100 इज इक्वल टू 0.6। एस्टिमेट द इलेक्ट्रिक पावर अवेलेबल फ्रॉम द प्लांट, यानी कि हमें बच्चों यहाँ पे आउटपुट पावर फाइंड आउट करना है, ठीक है। कैसे फाइंड आउट करेंगे? सबसे पहले बच्चों हम यहाँ पे बात करेंगे इनपुट पावर के लिए, ठीक है। अब देखिए, सबसे पहले हम समझेंगे हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट क्या होता है। हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट यानी जैसे बच्चों हम 9th और 10th में पढ़े होंगे कि एक हाइट पर से जो वाटर फ्लो होता है, पानी नीचे गिरता है, इसीलिए हमने डैम बना रखे, राइट। वो टर्बाइन के ऊपर गिरता है, टर्बाइन घूमता है, उसके साथ जनरेटर जोड़ा होता है और जनरेटर में से हमें इलेक्ट्रिक एनर्जी मिलती है। तो ये यहाँ पे हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट यानी कि पुराना कॉन्सेप्ट है हमारा 9th और 10th का, राइट। तो अब आपको समझ में आ रहा होगा। तो अब हम बात करेंगे बच्चों सबसे पहले इनपुट पावर। तो इनपुट पावर के लिए बच्चों हमारा फॉर्मूला होता है इनपुट पावर इज इक्वल टू एफ इंटू वी, क्योंकि ये मैकेनिकल पावर होगा। अब एफ इज इक्वल टू बच्चों हम लिख सकते हैं पी इंटू ए, पी यानी प्रेशर, ए यानी एरिया, इंटू वी यानी वेलोसिटी। अब प्रेशर इज इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, एच रो जी, आपको याद होना चाहिए 11th स्टैंडर्ड का कॉन्सेप्ट है, प्रेशर पी इज इक्वल टू एच रो जी इंटू एरिया इंटू वेलोसिटी। बट बच्चों नोट करिए कि एरिया इंटू वेलोसिटी को वॉल्यूम फ्लक्स कहा जाता है, ठीक है। मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ वॉल्यूम फ्लक्स। अब देखिए वॉल्यूम फ्लक्स कैसे मिलेगा, सपोज मैं यहाँ पे लिखता हूँ वॉल्यूम फ्लक्स वी डैश इज इक्वल टू एरिया इंटू वी, वेलोसिटी इज इक्वल टू लेंथ अपॉन टाइम। तो एरिया इंटू लेंथ इज इक्वल टू वॉल्यूम, वॉल्यूम पर यूनिट टाइम, जिसे कहते हैं वॉल्यूम फ्लक्स। और इस लेक्चर के शुरुआत में ही मैंने आपको इसके बारे में इंट्रोडक्शन दे दिया था, तो आई होप आप लोगों को ये कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आएगा। तो यहाँ पे अब मैं क्या कर रहा हूँ, एच रो जी इंटू ले रहा हूँ वी डैश। अब एच यानी कि हाइट बच्चों हमें लेनी है 300, रो यानी डेंसिटी। अब देखिए ऊपर से क्या गिर रहा था, वाटर, तो वाटर की बच्चों डेंसिटी होती है 10^3 जी बराबर, क्वेश्चन में ही हमें दिया है 9.8, और नहीं दिया तो भी ले लेंगे 9.8, और वी डैश बच्चों में दिया था 100। चले काफ़ी इजी कैलकुलेशन है, तो फटाफट से फिनिश कर दीजिए और यहाँ पे बच्चों आंसर आ जाएगा 2.94 × 10^8 और पावर का यूनिट लगाना मत भूलिएगा वाट, राइट। तो इसी के साथ बच्चों हमें मिल रहा है इनपुट पावर और अब हमें चाहिए आउटपुट पावर। तो आउटपुट पावर के लिए हम क्या करेंगे, इफिशियंसी का फॉर्मूला लगाएंगे। अब देखिए बच्चों इस चैप्टर में ये क्वेश्चन क्यों आया, तो उसका आंसर है कि जब ट्रांसफॉर्मर हम स्टडी कर रहे थे तो ट्रांसफॉर्मर के साथ साथ हमें इफिशियंसी का कॉन्सेप्ट भी पढ़ाया गया था। तो इफिशियंसी ईटा इज इक्वल टू बच्चों मिलता है आउटपुट पावर अपॉन इनपुट पावर, ठीक है, या तो बेसिकली हम ऐसा लिख सकते हैं आउटपुट अपॉन इनपुट, फिर कोई भी चीज हो, पोटेंशियल हो सकता है, पावर हो सकता है, करंट हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो आउटपुट पावर अपॉन इनपुट पावर, तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ आउटपुट पावर इज इक्वल टू इफिशियंसी इनटू इनपुट पावर,
अब एफिशिएंसी बच्चों में क्वेश्चन में दी गई थी 0.6 इनपुट पावर हमने फाइंड कर लिया था 2.96 इंटू 10 की पावर 8 वाट राइट है। और अगर ये कैलकुलेशन हम फिनिश करेंगे बच्चों तो यहाँ पे मुझे आंसर मिलने वाला है 1.76 इंटू 10 की पावर 8 वाट। और अगर आप इसे अच्छे से लिखना चाहते हो बच्चों तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं 176 इंटू 10 की पावर 6 वाट, और 10 की पावर 6 को बच्चों बोलते हैं मेगा, तो 176 इंटू कुछ नहीं आएगा, सीधा हम यहाँ पे लिख देंगे मेगावाट। ठीक है, तो बच्चा पार्टी ये हमें मिल चुका है आउटपुट पावर, और आउटपुट पावर या तो आप वाट या तो मेगावाट में भी लिख सकते हो। और इसी के साथ बच्चों ये कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चन यहाँ पर फिनिश होता है। इन नेक्स्ट क्लास हम मिलेंगे एक्सरसाइज नंबर 25 के साथ। थैंक यू।